पुराने शहर के रहने वाले बीजेपी लीडर्स ने चारमीनार का दौरा किया और कहा कि 29 तारीख को बीजेपी की जानिब से प्रजा संग्राम यात्रा शुरू होने वाली है जो 40 दिनों तक जारी रहेगी। वाजरे की हुजूराबाद का इलेक्शन होने वाला है और अभी से बीजेपी कारकुन कमर बस्ता हो गए हैं। इस दौरान बीजेपी पार्टी तेलंगाना प्रेसिडेंट बंडी संजय कुमार रैली निकाल रहे हैं जो सारे तेलंगाना में चलेगी। भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष श्री बंडी संजय जी का प्रजा संग्राम यात्रा जो भाग्यलक्ष्मी से निकल के 40 दिन का यात्रा है पहला फेस में, ये पूरा यात्रा 2023 तक यात्रा चलेगा। ये जो निज़ाम का बेटे के सर का जो निज़ाम सर का जो पालन चला रहा है यहाँ पे जो KCR उसको ख़त्म करना है। जो तेलंगाना यहाँ पे ला लिए तेलंगाना जिस वासी ला लिए तेलंगाना वालों के लिए खाली उनका फैमिली के लिए तेलंगाना चला रहा है यहाँ पे, उसका फैमिली को छोड़ के आम आदमी को ये तेलंगाना में पूरा फल मिलना है। जो सेंट्रल से मोदी जो जितना भी फल आ रहे हैं यहाँ पे वो फल भी यहाँ पे उनका फैमिली को अंडरटेकिंग कर लेके पूरा काम चला रहे हैं। इस कार्यक्रम में जो भी कार्यक्रम जो भाग्यलक्ष्मी मंदिर से जो हुआ हम दिग्विजय हुआ, अभी ये भी 2023 में जब भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे राज्य में शासन करने का हुकूमत आना बोल के माता जी का दर्शन कर लेके माता का आशीर्वाद लेके यात्रा सफल होना और कोई इसमें बीच में अडंग नहीं आना बोल के यात्रा के लिए हम निकल पड़े हैं और माता का दया से हम हो सकते कामयाब बन सकते। तेलंगाना में जो इसका फैमिली का जो भी है ये ख़त्म कर दे के आम आदमी का पार्टी का आम आदमी का भारतीय जनता पार्टी का आम आदमी के लिए हम लोग जो प्रोग्राम स्टार्ट करें ये पूरा दिग्विजय होना बोल के हम आश्वासन करते हैं।